अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम सब अकाउंटेंट्स का ये अकीदा है डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है और हम इसके एंट्रीज बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सदियों से ये एंट्री बनी जा रही है। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया तो उनसे इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि कैन डेप्रिसिएशन बी कैपिटलाइज, क्या डेप्रिसिएशन एसेट रिकॉर्ड हो सकता है। तो बच्चा तो उस वक्त थोड़ा घबरा गया, जैसे ही उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सर कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ केसेस हैं, लेट्स डिस्कस। नंबर वन, आप लोगों को याद होगा IS-38 में आप लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया पढ़ा है। रिसर्च तो एक्सपेंस होता है, डेवलपमेंट भी एक्सपेंस होता है अगर वो पायरेट वाली कंडीशन मीट ना हो। लेकिन जिस दिन से वो पायरेट वाली 6 कंडीशन मीट हो गई तो आज के बाद डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो, राइट। तो अब जरा सोचें कि डेवलपमेंट स्टेज पे 6 कंडीशन मीट होने के बाद जो कॉस्ट लग रही है उसमें से कुछ मशीन्स यूज हो रही हैं डेवलपमेंट के कामों में, तो मशीन यूज होने का मतलब मशीन की जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन होती है। तो अब ये डेप्रिसिएशन इस डेवलपमेंट स्टेज पे कैपिटलाइज हो जाएगी, एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी और बाद में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर लॉन्च होगा और अवेलेबल फॉर यूज होगा तो फिर ये एमोर्टाइज होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट एक साथ एमोर्टाइज होगा, तो यहां डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज हो सकती है। सेकंड केस, हम सब जानते हैं IS-16 में इनिशियल रिकॉग्निशन में जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। इंस्टॉलेशन आप गैरों से कराएं या अपने एम्प्लॉयज से कराएं, सारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, डेफिनेटली होगी। तो अब जरा सोचें कोई ऐसी इंस्टॉलेशन हो जरा बड़े नेचर की हो, अच्छा टाइम कंज्यूमिंग हो और उसमें कोई मशीन यूज हो रही हो, या यूं सोचें कि आप एक मशीन रेंट पे ला रहे हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो उस मशीन का रेंट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। या आप अपनी मशीन यूज कर रहे हैं उस इंस्टॉलेशन के लिए, तो अब उस मशीन की जो डेप्रिसिएशन इस इंस्टॉलेशन पर लग रही है वो हिस्सा भी कैपिटलाइज हो जाएगा अगर मटेरियल है तो, और फिर बाद में उस एसेट के थ्रू वो डेप्रिशिएट होगा। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कि डेप्रिसिएशन मे बी कैपिटलाइज। थैंक यू।